इलियास शरफुद्दीन ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मुसलमान बहनों बेटियों को नसीहतें पेश की हैं। देखिए इलियास शरफुद्दीन का मुसलमान बहनों बेटियों से क्या कहना है। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ गाड़ियों पर बैठकर वीडियो में धड़ल्ले से बोल रही हैं, जाने के बराबर तुम कौन हो मेरे भाई। मैं बेटियों से बहनों से कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। गैर के साथ जाकर तुम शादी करोगी वो निकाह जायज नहीं। अल्लाह फरमाते हैं एक मुशरिक खूबसूरत मालदार कोई लड़का या लड़की है उससे बेहतर एक ईमान वाला गुलाम है वो बेहतर है। मालदार खूबसूरत मुशरिक से बेहतर अल्लाह की नजर में ईमान वाला काला करोटा गुलाम। मैं बहनों से कहना चाहूंगा तुम बैठ कर जा रही हो अल्लाह की कसम पूरी उम्मत की इज्जत को दांव पर लगाएगा। जब तक तुम्हारा रिश्ता रहेगा हराम कहलाएगा, जब तक वो हमबिस्तरी करेगा जिना कहलाएगा। जो औलाद पैदा होगी औलाद को तो गाली नहीं दे सकती, हराम की औलाद बोला मना किया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन तुमने जिना के जरिए औलाद पैदा की वाला तो जिना रहेगा। अल्लाह को जवाब दिया मरने के बाद क्या अल्लाह को जवाब दिया। हमारे बच्चियों के माँ बाप भी बेजरत के पास से कब रहे बेजरत हो, बेटी कब जा रही कब आ रही कहाँ जा रही कहाँ से आ रही पता नहीं। घर में खाना ला के डाल दिए घर में कपड़ा दे दिए तो हो गया ना ना, ना। तरबियत की पूरी जिम्मेदारी मर्द सीधे रास्ते पे लेके चलने की पूरी जिम्मेदारी घर के मर्द, शिर्क और बिदात हराम से बचाने की पूरी जिम्मेदारी घर के मर्द की। बाप नमाज की है बेटी घर के साथ पार्क में है बेटी भी जान जिम्मेदारी बाप को भी खींच कर ले जाने वाली। मालूम होना चाहिए बाप को और भाई को कहा है बहन मेरी मेरी बेटी कहा है कहां पर है। कॉलेज छोड़ना कॉलेज से लाना गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना मोबाइल पर मैसेज चेक करना कब एंट्री ली बच्ची कब एग्जिट ली ट्यूशन सेंटर ले जाना ट्यूशन सेंटर से लाना गर्ल्स ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना गंदे गंदे टीवी सीरियल पिक्चरों मोबाइलों से टीवी से दूर रखना नमाज कुरान हदीस की पाबंदी कराना जायज दावतों और पिकनिक में ले जाते वक्त हिजाब कराना वक्त होते ही निकाह कर देना वक्त होते ही निकाह कर देना उम्र होते ही निकाह कर देना ये है लॉस्ट। लेकिन हम ये सब छोड़ आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ गाड़ी पर मिल रही है हरामबाजी कर रही है आरएसएस डीएचपी की प्लानिंग के तहत उनके बच्चे प्लानिंग के तहत बच्चों को करके लेके जा रहे साल दो साल में बर्बाद करके छोड़ दे रहे कहीं पर खत्म कर दे रहे कहीं पर टॉर्चर करके भाग जा रहे कहीं औलाद छीन ले रहे बर्बादी छोड़ दे। एक से एक किस्सा सामने आया। मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा अरे वाकई अगर वो तो तेरे को चाहता है तो उसको इस्लाम कबूल करो वाकई वो तुझे चाहता है इस्लाम कबूल करो खत्म करो बोलो एफिडेविट के थ्रू कोर्ट के जरिए इस्लाम के पेपर बनाओ बोलो साल दो साल उसके ईमान को अच्छे से चेक करो उसकी नमाजों को उसके लेन देन को उसकी बातचीत को उसके एक्टिविटीज को उसके बाद अगर वो वाकई मुसलमान बना तो माशाल्लाह उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करने का मसला। लेकिन हरामबाजी करके अल्लाह को नाराज करके अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाके अल्लाह उसके नबी के हुक्म को तोड़ दे क्या मिलने वाला है। उरूज से जवाल मिलने वाला है हुकूमत से गुलामी मिलने वाली है जो आज मिल रही है।